वेलकम बैक। देखिए, हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था, डेफिनेशन वगैरह। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, कुछ मैं वहाँ से आपको रिकॉल कर देता हूँ। जैसे हम लोग देखे थे, हम लोग वहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट देखे थे कि फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, फॉर दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में मैं BT लिख रहा हूँ, ठीक है। W इज इक्वल टू AZ+B डिवाइड CZ+D, द रूट्स ऑफ इक्वेशन W इक्वल टू Z इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट, राइट। यानी W को आप Z से रिप्लेस कर देंगे तो डेफिनेटली आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो उसी के रूट को क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे, राइट। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर होगा। सो देयर बी टू पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल फॉर्म, चूंकि इसका दो रूट भी हो सकता है और एक रूट भी हो सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो एक ही रूट होगा, राइट। सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ जो BT है वो दो तरह का हो सकता है। नंबर वन, इफ BT, दैट मीन्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हैज टू डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट से P एंड Q, देन द नॉर्मल फॉर्म इज ऑफ दिस वन, राइट। एंड इफ द BT हैज सिंगल फिक्स्ड पॉइंट, अगर एक ही फिक्स्ड पॉइंट आपको मिलता है, यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। सपोज करते हैं कि एक ही मिलता है P, ठीक है, एक रूट P मिलता है, तो आपका जो नॉर्मल फॉर्म है वो इस तरह का होगा, ठीक है। अब इन दोनों में जो K है, K से आप जो है इसका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आप पता कर सकते हैं कि इसका नेचर किस तरह का है, राइट। जैसे देखिए, नोट वन है कि इफ BT हैज सिंगल फिक्स्ड पॉइंट, यानी सिंगल अगर रूट होगा, देन इट इज पाराबोलिक। तो ये क्या होगा, पाराबोलिक होगा, है ना, वाट एवर की, वाट एवर के, के आपका कुछ भी हो, ठीक है, के कुछ भी हो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के, अगर आपको सिंगल रूट मिलता है तो आपका जो BT है वो क्या होगा, वो आपका होगा पाराबोलिक, राइट। अच्छा, इसके बाद सेकेंड देखिए कि अगर आपको दो रूट मिलता है, इफ यू हैव टू फिक्स्ड पॉइंट, राइट, से P एंड Q, तो जो नॉर्मल फॉर्म है वो इस तरह का होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो K है ना, इसका जो है वैल्यू हम लोग देखेंगे, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आता है, देन इट इज इलिप्टिक, तो ये इलिप्टिक होगा। और अगर ये K रियल है तो ये क्या होगा, ये आपका हाइपरबोलिक होगा, राइट। इस तरीके से आपको बनाना है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिसमें आपको फिक्स्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है, एंड देयर फोर आपको फिर उसका नॉर्मल फॉर्म भी निकालना है, राइट। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, ए नंबर को। तो ए नंबर को करेंगे तो फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो फॉर फिक्स्ड पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, आपको W को रिप्लेस कर देना है Z से, ठीक है। क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा Z, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो Z है वो क्या हो जाएगा, तो W आपका क्या है, 3Z-4 है ना, 3Z-4 डिवाइडेड बाई Z-1, राइट। तो यहाँ पे W का वैल्यू डाल दिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा Z²-4Z+4=0, राइट। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्चुअली दिस वन इज परफेक्ट स्क्वायर, Z-2 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमको जेड का जो है दो इक्वल रूट मिल जा रहा है, 2 और 2, ठीक है। सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, ओके। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके पास में एक ही फिक्स्ड पॉइंट हैज ए यूनिक फिक्स्ड पॉइंट, इसके पास में एक ही फिक्स्ड पॉइंट है, वो क्या है, वो है आपका P इज इक्वल टू 2, राइट, ठीक है। देयरफॉर, तो इसका जो नॉर्मल फॉर्म है वो क्या आ जाएगा, तो नॉर्मल फॉर्म हम लोगों का आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म इज, ठीक है, वो कैसा होगा, तो वो आपका होगा 1/W-P यानी 2 इक्वल टू 1/Z-P यानी 2 और प्लस K, इसी तरह का होगा, हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे K का वैल्यू निकालना है, तो फाइंड K निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे निकालिए, ठीक है, W-2 का वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, जो W-2 है उसको लेके चलिए, आपको मिल जाएगा। तो W का वैल्यू क्या था, ये आप डाल दीजिए, तो यहाँ पे है आपका 3Z-4 डिवाइडेड बाई Z-1, राइट। इसमें -2 करेंगे और LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाता है Z-2 डिवाइडेड बाई Z-1, राइट। अब देखिए, इसको हमको नीचे करना है, जो मेरा नॉर्मल फॉर्म है उसके हिसाब से, तो हम यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/W-2, राइट। तो ये इधर भी पलट जाएगा, तो ये आपका हो जाता है इधर Z-1/Z-2, राइट, ठीक है, ये भी पलट गया। अब इसको ना थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z-2 और +1 डिवाइडेड बाई Z-2, ठीक है। तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जब डिवाइड करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा 1/Z-2+1, राइट। तो फाइनली आपका नॉर्मल फॉर्म आ गया, 1/W-2 का वैल्यू क्या आ गया, 1/Z-2, ठीक है, +1,
यानी ये इस पूरे इस ये जो पूरा आपका फॉर्म था, इस फॉर्म को अब ये हिट कर रहा है, ठीक है, यानी आपका नॉर्मल फॉर्म आ गया है, तो विच इज़ नॉर्मल फॉर्म, राइट, विच इज़ नॉर्मल फॉर्म, जो आपका क्या है, जो आपका नॉर्मल फॉर्म है आपके। अच्छा, यहाँ पे जो के का वैल्यू है वो क्या मिल रहा है, वो के का वैल्यू 1 मिल रहा है, तो के का वैल्यू कुछ भी मिले, अगर सिंगल फिक्स्ड पॉइंट है देन इट इज़ पाराबोलिक, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका पाराबोलिक होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इट इज़ पाराबोलिक, पाराबोलिक, ठीक है, चूंकि आपको सिंगल फिक्स्ड पॉइंट मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल होता है। आइए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस 1, ठीक है, इसको कैसे करेंगे। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपका बी नंबर, वो है आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1, राइट, यही है ना, जेड माइनस 1 जेड प्लस 1, यस, ठीक है। तो चलिए अब इसमें फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले इसका निकालो फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकलता है, तो उसके लिए हम लोग डब्ल्यू को रिप्लेस कर देते हैं जेड से, तो क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1, राइट। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा जेड स्क्वायर एंड प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, बाकी कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो जेड स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट, यहाँ से आपका आ जाएगा जेड माइनस आयोटा एंड जेड प्लस आयोटा, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमको दो फिक्स्ड पॉइंट मिल रहा है, एक मिल रहा है प्लस आयोटा, एक मिल रहा है मेरा माइनस आयोटा, ठीक है। तो देयर फोर जो आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बी टी हैज़ टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट मिल रहा है, कौन कौन, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं पी इक्वल टू आयोटा और दूसरे को सपोज कर लेते हैं क्यू इक्वल टू माइनस आयोटा, राइट। देयरफॉर जो नॉर्मल फॉर्म है वो कैसा होगा, तो आपका नॉर्मल फॉर्म होगा यहाँ पे, नॉर्मल फॉर्म इज ये आपका हो जाएगा 1 बाई, अच्छा डब्ल्यू माइनस पी था ना, राइट, यहाँ पे क्या था आपका था ये, यस, इस टाइप से था ये क्या, डब्ल्यू माइनस पी यानी डब्ल्यू माइनस आयोटा डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस क्यू, तो डब्ल्यू प्लस आयोटा, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे भी इधर आपका जेड में सेम होगा, जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा हो जाएगा, जेड माइनस पी बाई जेड प्लस पी था, ठीक है, और यहाँ पे आपको के होता था, तो हमको इस के को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइंड के, तो के निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो तरीका देखिए मैं बता रहा हूँ, आप डब्ल्यू माइनस आयोटा या डब्ल्यू प्लस आयोटा किसी एक को पकड़ दीजिए और डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 माइनस आयोटा, ठीक है, डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दिए, आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस 1 माइनस जेड आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम ना इसको फैक्टर करना चाहते हैं, तो हम इसको कुछ ऐसा कर रहे हैं, जेड प्लस आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों, चूंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपका माइनस 1 होता है, राइट, लिख सकते हैं, अच्छा माइनस जेड आयोटा माइनस आयोटा, राइट, डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं याद रखिएगा, असल में इधर जो डब्ल्यू माइनस आयोटा है ना, तो इसका इसके करस्पॉन्डिंग में आपको जेड माइनस आयोटा चाहिए, ठीक है, डब्ल्यू माइनस आयोटा के करस्पॉन्डिंग में आपको ये चाहिए और डब्ल्यू प्लस आयोटा के करस्पॉन्डिंग में आपको ये चाहिए, तब तो आपका काम बनेगा, तो हमको जेड माइनस आयोटा का फैक्टर चाहिए ऊपर में, ठीक है, इसलिए मैं ये दिमाग लगा रहा हूँ। यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू माइनस आयोटा इक्वल टू आ जाएगा आपका, अब आप ऐसा कीजिए ना कि इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, तो यहाँ से हमारा बन जाता है जेड माइनस आयोटा, बन गया ना, और माइनस आयोटा का कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो फिर से आप लिख सकते हैं जेड माइनस आयोटा, राइट, तो फैक्टर बन गया आपका डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, जेड माइनस आयोटा, ठीक है, साथ में 1 माइनस आयोटा और नीचे में जेड प्लस 1, तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरीके से आप करेंगे, तो आपका डब्ल्यू प्लस आयोटा आप लिख सकते हैं, करना क्या है, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से आप रिप्लेस कर दीजिए, तो इधर भी रिप्लेस करेंगे तो सो इट इज जेड प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1, राइट, मतलब माइनस आयोटा को हमने प्लस आयोटा से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा टारगेट है ये रेशियो, तो ये रेशियो आपका निकल जाएगा, आप सिंपली क्या कीजिए, डब्ल्यू माइनस आयोटा को डिवाइड कर दीजिए डब्ल्यू प्लस आयोटा से, राइट, इससे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो नीचे वाला फैक्टर है आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, तो बचेगा देखिए इधर हमारा जेड माइनस आयोटा ऊपर में बच रहा है, नीचे बच रहा है आपका जेड प्लस आयोटा, ठीक है, ये बच गया, ये ऊपर बच गया, ये आपको नीचे बच गया, ठीक है, और साथ में जो बच रहा है वो है हमारा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई नीचे
अच्छा ऊपर में तो w माइनस आया, तो ऊपर में 1 माइनस बचेगा ना, ठीक है राइट। तो ऊपर में मेरे को बचेगा 1 माइनस यस, और नीचे में बचेगा 1 प्लस, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा ऊपर में बचा और नीचे में 1 प्लस आयोटा। तो ये देखिए आपका नॉर्मल फॉर्म आ चुका है ना, यही आपका नॉर्मल फॉर्म था, ये मेरा k हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है नॉर्मल फॉर्म, राइट। ओके क्लियर है, ठीक है, ऑफ दिस बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन। और आपका के क्या आ जा रहा है, फॉर सो के इज इक्वल टू हमको मिला है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा का। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे कर दीजिए रेशनलाइजेशन, ठीक है, चूँकि उससे आपको ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो ऊपर नीचे हम लोग 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये आपको आ जाता है, सो दिस इम्प्लाइज की का जो मॉडुलस है वो क्या आ जाएगा। तो ऊपर में देखिए 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आएगा, नीचे आएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी नीचे में 2 आ जाएगा, और ऊपर में आएगा माइनस 2 आयोटा, राइट, ठीक है। तो माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इस 2 2 को कैंसिल कर देंगे, तो माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम ये पढ़े थे कि अगर k आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये क्या होता है, तो ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका होता है इलिप्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ देयरफॉर जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इज इलिप्टिक, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इज इलिप्टिक, राइट। तो ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका इलिप्टिक हो जा रहा है। इस तरीके से करना है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आप बना लेंगे डेफिनेटली। तो ऐसे ही आप कीजिएगा, राइट, ठीक है। अच्छा तो ये तो क्वेश्चन आपका हो गया, अब जो है एक क्वेश्चन आपका बच गया है, तो वो क्वेश्चन जो है ना आप खुद से इसको ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, इसका फिक्स पॉइंट निकाल लीजिएगा, और देयर फॉर इसका आप फिर आप नॉर्मल फॉर्म निकाल लीजिएगा। तो आई होप आप इसको कर पाइएगा, डेफिनेटली आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल था। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, डेफिनेटली चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।